अपनी एंड्रॉइड फोन से डेटा को नए पिक्सल फोन पर कॉपी करने के लिए सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आपका एंड्रॉइड फोन वाईफाई से कनेक्ट हो। अगर आपको अपने पिक्सल फोन में सिम कार्ड का इस्तेमाल करना है तो उसे फोन में डालने के लिए सिम कार्ड टूल का इस्तेमाल करें। इसके बाद अपना फोन चालू करें। अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आपको ई सिम डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है। अपने पिक्सल फोन पर शुरू करें पर टैप करें। पिक्सल या एंड्रॉइड डिवाइस पर टैप करें। आपकी मौजूदा एंड्रॉइड फोन पर एक पॉपअप स्क्रीन दिखेगी। सेटअप करें पर टैप करें। अगर आपको कोई पॉपअप स्क्रीन नहीं दिखती है तो कैमरा एप्लीकेशन खोलें। अपनी एंड्रॉइड डिवाइस से नए पिक्सल फोन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। अगर आपकी डिवाइस को दोनों फोन के बीच वाईफाई कनेक्शन कमजोर लगता है तो यह आपको इसकी जानकारी देगा। साथ ही क्या आपको केबल की मदद से डिवाइसों को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करने के लिए कहेगा। आपकी डिवाइस को डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। जब आपके दोनों फोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाएं, तब नए पिक्सल फोन पर अपने एंड्रॉइड फोन का पिन डालें। सबसे नीचे दाईं ओर एरो पर टैप करें। अगर आपके पास सिम कार्ड है और आपने उसे अब तक फोन में नहीं डाला है तो उसे फोन में डालने के लिए सिम कार्ड टूल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ई सिम है तो ई सिम डाउनलोड करें पर टैप करें। सेटअप करते समय आपको इससे जुड़ी जानकारी मिलेगी। जारी रखने के लिए हर स्क्रीन पर दिए गए निर्देश पढ़ें। अपनी एप्लीकेशन और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आगे बढ़ें पर टैप करें। अगर आपको अपने पिक्सल फोन पर किसी खास तरह का डेटा कॉपी नहीं करना है तो उसके बगल में दिए गए बॉक्स से सही का निशान हटाएं। कॉपी करें पर टैप करें। डेटा कॉपी करते समय दोनों फोन को एक दूसरे के पास रखें। डेटा ट्रांसफर होने में कुछ मिनट से लेकर एक घंटे से भी ज्यादा समय लग सकता है। आपके फोन में जितना ज्यादा डेटा मौजूद होगा उतना ही ज्यादा समय लगेगा। डेटा ट्रांसफर होने के दौरान आपके पास अन्य सेटिंग मैनेज करने का विकल्प होता है। इन्हें सेटअप करने के लिए ज्यादा देखें पर टैप करें। डेटा ट्रांसफर होने के दौरान आपको पिक्सल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा। इनमें जेमिनाई शामिल है। जेमिनाई एक AI असिस्टेंट है जो आपके फोन में पहले से मौजूद होता है। जारी रखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देश पढ़ें। ऐसा हो सकता है कि आपने डेटा कॉपी न करने का विकल्प चुना हो, आपकी कुछ आइटम दूसरे फोन में ट्रांसफर नहीं हुए हो, या अपना डिवाइस सेटअप करते समय आपको कोई डेटा ना मिला हो। ऐसे में आपके पास फोन की सेटिंग में जाकर सेटअप के बाद भी डेटा ट्रांसफर करने का विकल्प हमेशा होता है। सेटिंग एप्लीकेशन खोलें। डेटा का बैकअप लें या उसे कॉपी करें पर टैप करें। डेटा कॉपी करें पर टैप करें। ध्यान रखें कि आपके पास सिर्फ उसी डिवाइस के बैकअप से डेटा कॉपी करने का विकल्प होता है जिसका इस्तेमाल आपने पिछली बार डेटा कॉपी करने के लिए किया था। अगर आपके पास पहले इस्तेमाल किया गया डिवाइस या बैकअप नहीं है तो कोई बैकअप नहीं मिला मैसेज दिखेगा। सेटअप के बाद किसी और डिवाइस के बैकअप से डेटा कॉपी करने के लिए आपको डिवाइस पर मौजूद पूरा डेटा हमेशा के लिए मिटाना होगा और डेटा फिर से कॉपी करना होगा।